नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15, लगभग 4:10 या 15 मिनट कुछ हुआ है, और हम आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। रोज़ जो है लगभग 5 से 5:15 के बीच उठते हैं। आज जल्दी उठने का कारण यह है कि हमारे एक मित्र हैं जो मुंबई में रहते हैं, और वो तिरुपति बालाजी गए थे दर्शन के लिए। उन्होंने फ़ोन किया हमको कि हम तिरुपति बालाजी में हैं, तो हमने उनको आमंत्रित किया हमारे यहाँ आने के लिए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए बेंगलोर में। उन्होंने हमारा निमंत्रण भी स्वीकार किया। वो हमारी मुंबई की टीम में हैं, तो जब हम मुंबई में रहते हैं तो वही हमारे कार्यक्रम में जो पूजा पाठ होता है तो उसमें वो शामिल होते हैं। तो आज अभी इतना सुबह सुबह उठ करके उनको बस स्टॉप लेने जाना है। तो मौसम यहाँ का थोड़ा ठंडा है, इसलिए हमने जो है छोटा सा स्वेटर रख लिया है जो बस काम करता है हल्की फुल्की ठंडी में। और यहाँ से अभी निकलना है जल्दी से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे और हम यहाँ जो है वीडियो ही बनाते रह जाएंगे। सुबह सुबह ट्रैफिक तो नहीं होता है, रास्ता पूरा खाली रहता है, परंतु हमें ट्रैफिक के नियमों का फिर भी पालन करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। हम बस स्टॉप से राहुल जी को ले लिए हैं। राहुल नाम है, बताए हैं आपको कि मुंबई में जो हमारी टीम है उसमें रहते हैं और बड़े ही अच्छे वाद्य यंत्र बजाते हैं। हारमोनियम हो, चाहे ढोलक हो, चाहे तबला हो, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो हमने यहाँ से इनको पिक कर लिया है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा फूल ले लें, क्योंकि आज एक गृह प्रवेश है और हमें जो है फूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो विचार बना हुआ है। तो पहले फूल मार्केट के थोड़े से दर्शन करेंगे राहुल के साथ, और उसके बाद जो है फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, फिफ्टी कम नहीं? तुलसी अच्छा है क्या? अच्छा है, यो नाटिका बीच ले लगा है तो। नाटिका है? हाँ नाटिका जी। हमने जो है यहाँ फूल ले लिया है, लगभग 2 किलो के करीब जो है फूल माला तुलसी बेलपत्र इत्यादि सब कुछ ले लिया है। अब यहाँ से केला का खंभा लेना है, उसके लिए हमको एक 5 मिनट थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ये आ गए हैं हम केला के खंभा वाली दुकान पे। यहाँ जो है होलसेल रेट पे मिलता है नारियल और केले के पत्ते, क्योंकि ये भोजन के लिए लगते हैं यहाँ। तो वो हमारे पहचान से भी हैं कि काफ़ी दिनों से आना जाना हमारा है, तो वही उनकी ही दुकान है। तो अभी हम हाँ ये 4 पीस चाहिए। हमसे भी पहले उठ करके ये लोग जो हैं मेहनत करते हैं। लगभग ये जो हैं रात में सोते नहीं हैं, दिन में ही सोते होंगे क्योंकि रात भर तो इनका काम ही चालू रहता है। लगभग 3:30 ये दुकान अपनी खोल देते हैं, और सुबह लगभग 8 से 10 बजे तक इनकी दुकान खुली रहती है, फिर बाद में ये आराम भी करते होंगे। तो यहाँ जो है केले के पत्ते हैं, केले के खंभे हैं, नारियल है और सफ़ेद वाला कद्दू है, ये सब जो है इनकी दुकान में मिलता है। मीडियम साइज कर दो ना, बहुत छोटा मीडियम होना। ये वाला बोल रहे हैं तो ये तो छोटा पड़ जाएगा और ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। हाँ तो ये परफेक्ट, दो जोड़ी कर दो। हाँ हाँ तो ये हो गया 4। इनको जो है बढ़िया बांध देंगे और कागज़ में रैप करके इतना सुंदर से बना करके फिर देते हैं, ताकि अगर आप दूर ले जाते हो तो हवा के कारण इसके पत्ते जो हैं फटने ना पाए। ये देखो कागज आ गया, और ये जो है इतना बढ़िया से बांध देंगे कि केले के पत्ते जो हैं एक भी ख़राब नहीं होंगे। आप इनको चाहे 2 किलोमीटर लेके जाइए, चाहे 20 किलोमीटर लेके जाइए,
और आप और हम जो है इतनी सरलता से नहीं बांध पाते, क्योंकि हमने भी कई बार प्रयास किया है। ये देखिए इन्होंने जो है बढ़िया सुंदर से बांध करके बना दिया, और चार केले के खंभे जो हैं 100 रुपये में मिल गए हैं, तो सरलता भी रहती है और बहुत महंगा भी नहीं है, तो सत्यनारायण पूजा के लिए सबसे अच्छा हो जाता है, केले के खंभे बांध करके बढ़िया अच्छे से हो जाता है। हमारे मित्र जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का मौसम है, ठंडी लगने वाली थी हमें पता है, इसलिए जो है हम इनके लिए शॉल लेके आए थे। अब मुकुट धारण किया हुआ है, क्योंकि बिना मुकुट के बेंगलोर में चलना मुश्किल है, तो अभी इनको कैप्टन सीट में बैठा करके इसके बाद फिर ले जाएंगे। राहुल को हमने बस स्टॉप से ले लिया, और क्योंकि आज पूजा है इसलिए कुछ फूलों की आवश्यकता थी, तो हम फूल मार्केट भी गए। सुबह सुबह जल्दी खुल जाता है, 4 बजे लगभग खुल जाता है, हालांकि इतने लोग नहीं आ पाते, तो हम वहां से फूल लिए, और फूल लेने के बाद घर आए, स्नान ध्यान संध्या वंदन हो चुका है, और राहुल भी जो है तैयार हैं, आज ये भी हमारे साथ पूजा में रहेंगे, है ना, तो ये हमारा सहयोग करेंगे, और बहुत दिनों बाद इनका सहयोग मिल रहा है, लगभग 3-4 महीना हो गया है, कहा इससे ज़्यादा भी हो गया, ज़्यादा भी। और दूसरी बात ये भी है कि अपनी टीम के साथ जो काम करने का आनंद है वो कहीं नहीं है, तो राहुल जो है हमारी टीम के पुराने मेंबर हैं, बहुत पुराने मेंबर हैं, तो क्योंकि एक साथ एक वेद हो जाता है, शुक्ल यजुर्वेद के ये भी हैं, शुक्ल यजुर्वेद के हम भी हैं, वृंदावन से इन्होंने भी पढ़ाई की, वृंदावन से हमने भी पढ़े हैं, तो वो जो आपका तालमेल होता है ना, और लगभग हम लोगों ने 5-6 साल काम किया है साथ में, तो वो आपका तालमेल बैठ जाता है, हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता कि आपको ये करना है हमें ये करना है, क्योंकि हम लोगों को ये पता रहता है ना कि हमको ये इसमें हम कर लेंगे, हम गणपति बना रहे हैं, षोडश मात्र का बना रहे हैं, तुम नवग्रह बना लो, तो वो हमको बोलना नहीं पड़ता, हमें पता है कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ गणपति बनेंगे, ये जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नवग्रह बनेंगे, तो हमें जो है तालमेल बिठाना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से बैठा हुआ है, तो अपनी टीम के साथ काम करके सच में बहुत अच्छा लगता है। तो हालांकि आज एक ही व्यक्ति हैं, पर देखते हैं जल्दी से रियूनियन, मतलब फिर से मुलाकात सब लोगों के साथ मुंबई में होने वाली है दिसंबर या जनवरी में, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से पूजा के लिए। घर से निकलने के बाद बेंगलोर में कई वर्षों से चली आ रही यह ट्रैफिक की परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते हुए और लाइन में खड़े हो चुके हैं, ताकि ट्रैफिक क्लियर हो और हम गंतव्य पहुंच सकें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। हाँ, पंचामृत तीर्थ धारी। अभी हम लोग जो है पूजा करके बाहर आ चुके हैं। राहुल जी जो हैं बड़ा ही आनंद किए आज पूजा में, है कि नहीं? सब हरी माया, हरी माया। आज दो पूजा थी, एक सत्यनारायण भगवान की पूजा और दूसरी वास्तु शांति। तो यहाँ हम जो है दूसरी जगह वास्तु शांति कराने आए हैं, सारी तैयारी हमने कर ली है, हमने और राहुल जी ने। यहाँ राहुल जो हैं मांगलिक चिन्हों से दरवाजे को आच्छादित कर रहे हैं, यजमान बाहर खड़े हैं ताकि गृह प्रवेश हो। यहाँ सारी तैयारी वास्तु शांति की हो चुकी है, अब यहाँ से गृह प्रवेश शुरू हो जाएगा, और गृह प्रवेश होने के बाद कलश पूरे घर में घुमाया जाएगा और फिर अन्नपूर्णा का पूजन किया जाएगा। तो यहाँ जो है गैस की व्यवस्था नहीं थी, तो ये आधुनिक चूल्हा का प्रयोग किया जा रहा है, इंडक्शन का। तो चैनल में यूट्यूब वरते टाकल तो यूट्यूब वरते टाकल तो वीडियो फेस कैम फेस वीडियो नहीं टाकता। हाँ हाँ, तो टेंशन क्यों ना, बस बस, बस।
ऑन करो। फुल फास्ट, एकदम फुल फास्ट करा। ये प्लस आइकन है, प्लस आइकन कितने पर है? हीट मिल का है ना? हीट मिल का ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ ओके। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः श्री अन्नपूर्णादेव्यै नमो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं मा स्वदेशो भुवनत्रयं मा। हरि ओम मा ज्येष्ठा लक्ष्मी नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधायक्षता पुषपाणीं समर्पयामि स्थापित परिवार देवताभ्यो नमो नमः। श्रीगंगमन्मङ्गलमहागणाधिपतये स्वाहा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। शचीपुरन्दराभ्यां स्वाहा। दूसरी जगह जो वास्तु शांति थी उसमें अधिक समय लग गया, हम तो थक ही गए थे। राहुल जो कि इतनी लंबी यात्रा करके मुंबई से तिरुपति और तिरुपति के बाद जो है बेंगलोर इतनी लंबी यात्रा करके आए, वो भी इतना थक गए हैं कि आते ही जो हैं सो गए। हमने अभी संध्या वंदन किया है, अब जो है हम भी थोड़ा आराम करेंगे। लगभग 8 बज रहा है शाम का, तो हम बाहर की लाइट चालू करके ही जो है अब ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जो है यहाँ से अब विश्रांति दे सकें। हम जानते हैं कि इस वीडियो में बहुत कुछ खास नहीं है, परंतु हमने सोचा कि दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली में व्यस्तता अधिक थी, वीडियो बना नहीं पाए हैं, तो हमने ये सोचा कि दिवाली के बाद एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग जो हैं शिकायत ना करें कि आपके वीडियो फिर से आना बंद हो गए हैं। तो ये जो वीडियो है, अगर यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।